मेरे साथ है डॉक्टर सैयद असगर अली और जो सेक्रेटरी है राजस्थानी खो खो संघ के, और इनसे जानते हैं किस तरीके की ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये 34वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खो खो की बालक और बालिका की जो सांगरिया के बोलावाली में आयोजित की जा रही है, और 3 दिवसीय प्रतियोगिता में है। आज जो मेरे पीछे मैच चल रहा है वो अजमेर वर्सेस जयपुर का चल रहा है, सेमीफाइनल सेकंड बालिका वर्ग में, और इसके बाद फिर एक और जो सेमीफाइनल होगा वो बॉयज़ वर्ग में होगा, और कल सुबह फाइनल मैच खेले जाएंगे। आप यहाँ बोलावाली पहुँचे हैं, ये खो खो की एक फैक्ट्री है, ये कहना ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ हर साल मैं देखता हूँ भी बड़ी संख्या में बच्चे निकलते हैं पिछले 25-30 सालों से। इस बारे में आप क्या समझते हैं और किस तरीके से ये खेल आगे बढ़ रहा है? खो खो की अगर जब बात करते हैं तो बोलावाली हनुमानगढ़ का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है पूरे राजस्थान के, और ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे क्या हब बना हुआ है, खो खो खेलते हैं, खो खो को समझते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो दर्शक बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, और जो भी है उनको सेंस है कि खो खो को कैसे खेला जाता है, क्या फाउल होता है, क्या डायरेक्शन होता है, क्या अपर टेम्परी होती है, आउट है या नॉट आउट है, तो वो तुरंत उसका एनालिसिस कर देते हैं। तो निश्चित रूप से खो खो की जानकारी इन सबको है, और काफ़ी जिस उमंग और जोश के साथ बच्चे खेल रहे हैं और क्राउड जिस तरीके का था उनको हौसला अफजाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसके लिए यहाँ की जो पीपुल है या यहाँ के जो लोग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। किस तरीके से खेल क्षेत्र को, राज्य को, देश को आगे बढ़ाने में और बच्चों का एक उत्कृष्ट भविष्य बनाने में कैसे खेल काम आ सकते हैं आपके शब्दों में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हनुमानगढ़ करता है और राजस्थान लेवल पर हम करते हैं, और इंडिया लेवल पर भारतीय खो खो महासंघ करता है। अभी मुझे आपके चैनल पर और आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को बताने में हर्ष होगा कि हम जनवरी 2025 में 8 तारीख से लेकर 19 तारीख तक वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। नई दिल्ली उसमें 35 देशों के खिलाड़ी पुरुष और महिला भाग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों के लिए, और हम चाहेंगे कि राजस्थान के बालक बालिका उस टीम का हिस्सा बने, भारतीय टीम का, और भारतीय टीम उसमें गोल्ड मेडल जीते। तो मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से भारतीय और ग्रामीण खेल को जो पहचान हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भारतीय खो खो महासंघ दे रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला जो सुनहरा पल है वो खो खो के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ आयोजन हो रहा है उस आयोजन की जो क्या व्यवस्थाएं हैं वो क्या आप पा रहे हैं थोड़ा सा? ये भी आयोजन काफ़ी अच्छा है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, एकोमोडेशन अच्छी है, प्ले फील्ड बहुत अच्छा है, नाइट टूर्नामेंट किया जा रहा है, मोस्टली नाइट टूर्नामेंट बहुत कम लोग कराते हैं, और यहाँ पे 20 साल पहले भी जब मैं आया था तो नाइट टूर्नामेंट हुआ था और इतना ही क्राउड था और वही जोश था। आज 20 साल बाद भी मुझे वही जोश, वही क्राउड आप देखेंगे, इतने बुजुर्ग लोग हैं जो इन बच्चों को यहाँ देखना है इनके मैच को, तो उनकी हौसला अफजाई हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ बोलावाली की जो जनता है उनमें खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये तो लगातार देखने को मिल रहा है। ये थे डॉक्टर सैयद अजहर अली जो राजस्थान के खो खो संघ से जुड़े हुए हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी और जो गांव के जो लोग हैं छोटे बच्चों से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक यहाँ मौजूद हैं, और ये वो धरती है जो हर साल नए खिलाड़ी देती है और क्षेत्र का और राज्य का ये नाम रोशन करने वाले ये यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जुड़े खिलाड़ी हैं।